तो दोस्तों, फिर से हमारे चैनल को पेंड वीडियो साथ। आज हम आपसे बताएंगे सिम बहादुर के कि अभी तक 31 दिनों में इस फिल्म ने अपने कितना कलेक्शन किया, उसका वर्ल्ड वाइड पे कितना कलेक्शन हो चुका है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आपको बता दें, सिम बहादुर जो कि विक्की कौशल की एक बायोग्राफिकल फिल्म थी, इस फिल्म का बजट 50 करोड़ था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मेघना गुलजार। वही इस फिल्म के अंदर मेल लीड में देखने को मिलते विक्की कौशल, फतिमा सेख, सनाया मल्होत्रा, नीरज कभी। बात करें अगर फिल्म की कलेक्शन की, इस फिल्म ने पहले दिन 1,06,25,00,000 रुपए कमाए थे। वही पहले वीकेंड के अंदर इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 26 करोड़ का था। वही पहले हफ्ते फिल्म ने कमाए थे 38,92,00,000 रुपये। दूसरे हफ्ते फिल्म ने कमाए थे 26,07,00,000 रुपये। तीसरे हफ्ते फिल्म ने कमाए थे 12,25,00,000 रुपये। वही चौथे हफ्ते जो फिल्म का कलेक्शन था लगभग 3 करोड़ का हो चुका था। वही अभी यानी इस फिल्म का जो पांचवा हफ्ता चल रहा है और इस फिल्म के कलेक्शन जो है वो अब बहुत ही कम हो चुके हैं। जहां पहले ये फिल्म का लगभग 20 से 25 लाख कमा रही थी पर डे, अब उसका कलेक्शन और भी ड्रॉप हो चुका है। और इस फिल्म का आज 31 डे चल रहा है और आज इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 10 से 12 लाख रुपये देखने को मिल रहे हैं। वही आपको बता दें, इस फिल्म का अभी तक का इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 87 करोड़ हो चुका है। इसका ग्रोस कलेक्शन लगभग 102 करोड़ हो चुका है। इसका जो ओवरसीज से कलेक्शन लगभग 19,50,00,000 रुपये हो चुका है। वही इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड पर जो कलेक्शन लगभग 120 करोड़ यानी पहले हो चुका था। वही अभी का जो कलेक्शन है लगभग 124 करोड़ के करीब पहुँचने वाला है इसका जो कलेक्शन है। वही सेम बहादुर को IMDb पे लगभग 8.3 की रेटिंग मिली है। वही आपने अभी तक ये फिल्म देखी कि नहीं, हमें कमेंट करके बताया। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बन रहे दोस्तों।